क्या हुआ बीबी जी, किसकी चिट्ठी है? कुछ बताइए बीबी जी। कमला वो कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो जरूर जरूर उसी औरत के पास गए होंगे, उसी मास्टरनी के पास। मुझे तो लगता है उसने हमारे सांप पे कोई जादू कर दिया है। और कहां जा सकते हैं सांप? आप सोच के बताइए, और कहां जा सकते हैं सांप? कमला मेरा तो इस समय दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आप मानिए ना मानिए, वो जरूर उसी मास्टरनी के पास गए हैं। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा बीबी जी, आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना इतने बड़े घर में आप अकेली कब तक अपने आप से बातें करती रहेंगी? और वो मास्टरनी साहब के साथ आपका सुख चैन छीनकर मजे उड़ाएगी? नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या समझती हो? तुम कुछ भी करती रहोगी और मैं सहन करती रहूंगी, बर्दाश्त करती रहूंगी तुम्हारी दी हुई परेशानियों को। उस दिन मैं फार्म हाउस से चली गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति की जिंदगी से जा चुकी हूँ। मैं उनसे लड़ूं, झगड़ूं या नाराज रहूं, वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और मैं उनकी जिंदगी का, समझी तुम? मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ आरती, समाज की नजरों में तुम ही उनकी पत्नी हो, तुम्हारा पूरा हक है अपने पति पर। तो मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश मत करो और हट जाओ मेरे पति के रास्ते से। आरती, उनके रास्ते में मुझे किस्मत ले आई है। कैसे ले आई है, क्यों ले आई है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो अब मुझे भी नहीं रही किसी बात में। मेरी जिंदगी में जहर घोलने में तो है। तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है आरती, हालात की चक्की में तुम भी पिस रही हो और मैं भी। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा? तो क्या उसी दर्द को बांटने के लिए तुमने वर्मा साहब को अपने पास रख लिया? मैंने वर्मा साहब को रख लिया कहाँ? बनने की कोशिश मत करो माया, उन्होंने घर से दूर मुझसे दूर रहने का फैसला किया है। और ये बात तो साफ है, उनसे मेरी दूरी तुम्हारी नजदीकी बन जाएगी। क्यों मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर रही हो तुम? कहाँ है वो, बोलो कहाँ छुपा रखा है तुमने उनको? क्या क्या मेरे खिलाफ उनके दिमाग में भर रखा है? वो घर छोड़कर चले गए? वर्मा साहब घर छोड़कर चले गए कहाँ? हैरानी तो तुम इस तरह दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता आरती, भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन करो, उस दिन के बाद से ना ही मैं उनसे मिली हूँ, ना ही मैंने उनसे कोई बात की है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? सच कह रही हूँ आरती, यकीन करो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, मुझे नहीं पता। तो फिर वो इस तरह अकेले कहां चले गए? मंगला जी,
कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना। जी अच्छा। आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाई हैं। तो मैं सोचता हूँ इस मकान को बेच दूँ। बेच दो? तो हम सब कहाँ रहेंगे? किराए के मकान में, मेरे घर के पास। मुझे भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें भी आराम रहेगा। हेलो अंकल। हेलो बेटे। तो मैं अभी चलता हूँ, मेरी एक एस्टेट एजेंट के साथ मीटिंग है। शाम को मिलता हूँ तुमसे आकर के। और हाँ, तब तक तुम उस बात के बारे में अच्छी तरह से सोचना जो मैंने अभी कही। आइडिया बुरा नहीं। ओके बेटा, बाय। बाय बाय बाय। दीपा के साथ तुम्हारा मामला कहां तक पहुंचा? अभी अभी तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखो अजय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे अंकल अभी अभी इस मकान को बेचने की बात कर रहे थे, इसलिए हमें दीपा वाला मकान जल्द से जल्द हासिल करना होगा। अगर ये मकान बिक गया ना, तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। अब मैं हॉस्पिटल में तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता ना माँ। उसकी माँ को तो मैं लाइन पर ले आया, धीरे धीरे बेटी को भी ले आऊंगा। देखो जो करना है जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? ये ले, खाना ले ले, ले खाना ले ले ये। अरे खाना नहीं खाना क्या? ये ले प्लेट पकड़। अरे ये ले प्लेट पकड़। ये क्या तुमने सारा खाना गिरा दिया? ओए बंसी, क्यों गुस्सा हो रहा बेचारी पे? चल चल मैं संभालता हूँ उसको। ये रुक रुक, ये प्लेट लेके जा, ये ले लेके जा। चंदा मेरे हाथ से खाना खाएगी? बंसी साफ प्लेट में खाना लेकर आ जल्दी। मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, खाना खाएगी ना? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा खाना तुझे। कोई ना कोई मैं लाऊंगा ना, मैं लाऊंगा कोई ना कोई। राजू क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं, और क्या हो रहा है? उसको खाने के लिए मना रहा हूँ ना मैं। ला मुझे, मैं खिलाता हूँ खाना। चल तू जा जा जा। तू कम से कम पागलों को तो छोड़ दिया कर। जा, जा। चंदा ये लो खाना खा लो। एक मिनट ऐसे। चंदा ये लो खाना खा लो। खाने चलें? नहीं थोड़ी देर रुको, बाद में चलेंगे। मैस बंद होने में आधा घंटा बाकी है, अगर और देर करेंगे तो खाना ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ना सही, अगर रात को भूख लगेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई ना अभी खा लेते हैं। नहीं तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है कोई ना, तू हमेशा ऐसे चुप चुप उदास क्यों रहती है? क्या तुझे हॉस्टल अच्छा नहीं लगा? हॉस्टल तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर ऐसे क्यों रहती है चुप चुप? पता नहीं, जब से हॉस्टल आई हूँ
मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर हमेशा ऐसी अकेली रहेगी तो माँ की याद आएगी ना। चल मेस में चलते हैं। नहीं तू जा। हम सब इस फैक्ट्री में काम करते हैं। हमारी जरूरतें एक हैं, हमारी मजबूरियां एक हैं, लेकिन हमारी सोच एक नहीं है, हमारी आवाज एक नहीं है। इसीलिए इतने सारे होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अकेले अकेले पड़े हुए हैं, हमारी कोई ताकत नहीं। हमारी ताकत तब बनेगी जब हमारी आवाज एक होगी, हमारा नारा एक होगा, हमारी सोच एक होगी, तभी हम अपने हकों के लिए लड़ पाएंगे। अच्छी खासी चलती फैक्ट्री में राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। सुन तो सही क्या कहता है। आप ही बताइए, क्या पूंजीपति समाज गरीब के हक की बात सुनेगा? कभी नहीं। इन पैसे वालों के बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, और वो है ट्रेड यूनियन। हम में से एक दो नेता ऐसे होने चाहिए जो मालिकों तक निडर होकर, बेझिझक होकर अपनी बात पहुंचा सके, आपको आपके हक दिलवा सके। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे अपना नेता चुने, बल्कि उसे चुने जो मुझसे भी बेहतर हो, जो आपके हकों के लिए लड़ सके, झगड़ सके। बोलिए आप किसे नेता चुनते हैं, बोलिए। अगर आप आज नहीं तो तुम इनसे कुछ बुलवाना चाहते हो? बोलो। यहाँ कोई यूनियन वूनियन नहीं बनेगी, समझे तुम लोग? नहीं रघु, बनाने दो यूनियन। आप लोग इसके साथ मिलकर यूनियन बनाना चाहते हैं ना, तो बनाइए। यूनियन बनाने में कोई बुराई नहीं। अब तो मैडम ने भी कह दिया है, कह दीजिए आप लोग कि आप लोग यूनियन बनाना चाहते हैं। एक मिनट ज्वाला, यूनियन बनाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम यूनियन क्यों बनाना चाहते हो? अपने हकों के लिए। यहाँ पर काम करने वाले किस वर्कर का हक रखा है हमने? क्या हम समय पर तनख्वाह नहीं देते, बोनस नहीं देते, ओवरटाइम नहीं देते? क्या आपके परिवार वालों के लिए ईएसआई की सहूलियत नहीं है? क्या आपको छुट्टियां नहीं मिलती? तो फिर किस मांग के लिए आप यूनियन बनाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए ताकि इस फैक्ट्री में अलग अलग पार्टीज खड़ी हो जाए, भाईचारे और प्रेम से काम करने वाले वर्कर्स एक दूसरे से बात करने से भी कतराएं? आप लोग यहां काम करने आते हैं, हर काम में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने घर परिवार, अपने बीवी बच्चों के लिए। और उन्हें यूनियन नहीं, खाना चाहिए। ये यूनियन बनाकर आप लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगे और ओटी का भी नुकसान करोगे। अगर इसके बावजूद भी आप लोग यूनियन बनाना चाहते हैं तो बनाइए, या फिर अपने अपने काम पर लौट जाइए। लीजिए बाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी दीपा बिल्कुल ठीक हो जाएगी पहले की तरह। डॉक्टर से मेरी सर, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, आप कहां से बोल रहे हैं सर? ओके, कौन सी फाइल सर? ठीक है सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर। किसका फोन था अजय? मेरे बॉस का था। उस दिन फोन किया था उन्होंने दीपा का हाल पूछने के लिए। हाँ हाँ। वो शहर में नहीं है, इसलिए ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कहाँ है वो? ऊटी में। ऊटी? कब तक लौटेंगे? नहीं,
मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि उनके ना होने से तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है ना। एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल के चक्कर। डोंट वरी माँ जी, मैं जिम्मेदारियों से भागने वाला लड़का नहीं हूँ। आई विल मैनेज। वो तो मैं अच्छी तरह जान गई हूँ बेटा। अब माँ जी फिलहाल तो मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस के एक दो काम निपटाने हैं, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते माँ जी। अच्छा दीपा, अपना ख्याल रखना, मैं बाद में आता हूँ। पूजा की थाली तैयार है बेबी जी। कमला रख दे, मुझे जाना होगा तो ले लूंगी मैं। ये क्या बीबी जी, कल भी पूजा की थाली ऐसे ही रखी रह गई थी, आज भी मंदिर नहीं जाएंगी क्या? सारी उम्र मैं पूजा ही तो करती आई हूँ, उसका क्या सिला दिया भगवान ने। उम्र के उस मोड़ पर मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, जब साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इतना मायूस मत होइए बीबी जी, मुझे पूरी उम्मीद है साथ जल्दी लौट आएंगे। आप मंदिर हो आइए बीबी जी, आपके मन को शांति मिलेगी। जब मन का भगवान ही शांति नहीं देना चाहता तो मंदिर का भगवान शांति कैसे दे सकता है। हेलो, आरती जी हैं? हाँ जी, एक मिनट। बीबी जी आपका फोन। कौन है? वो मैंने पूछा नहीं। हेलो आरती। कौन? मैं माया। आरती मैं जानती हूँ मेरा इस तरह से फोन करना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बात इतनी जरूरी है कि फोन करना मेरी मजबूरी है। क्या बात है? वर्मा साहब का कुछ पता चला? नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी मिली है। अच्छा, कहाँ है वो? उटी में। आपको कैसे पता चला? अजय को वर्मा साहब का फोन आया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने सोचा कि तुम परेशान होगी तो तुम्हें ये जानकारी दे दूं। आरती, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे इस तरह से तुम्हारे घर फोन करने का तुमने बुरा नहीं माना होगा। अच्छा नहीं हो गया। अब आपकी बेटी कैसी है? कमला जी, बीबी जी मैं मंदिर जा रही हूं। हेलो, क्या बात है सेठ, पैसे नहीं पहुंचे? लेकिन पुलिस उस ट्रक वाले के पास धीरे धीरे पहुंच रही है। पुलिस को क्या खिलाने का? वो क्या है कि अगर कल तक हिसाब बराबर नहीं हुआ ना, तो समझ लेना कि हमारे आदमी के साथ साथ तुम भी लपेटे में आ जाओगे। धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं सेठ, ये तो सिर्फ जानकारी थी। हाँ, अगर तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है तो इसको धमकी समझने का। सुनो सुनो, कल तक